नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी कर पर। आज एक नया वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है और इस वीडियो का नाम है एमपीजीके। एमपीजीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो हिंदी मीडियम में चल रही है, आज हम मध्य प्रदेश की पुनर्गठन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के मध्य प्रदेश के पुनर्गठन और उससे प्रारंभिक वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाइए, सारे वीडियोस उसमें डले हुए हैं। तो आइए बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में पढ़ना है। देखिए, उससे पहले मैंने भारत के पुनर्गठन के बारे में बताया था, क्योंकि मध्य प्रदेश का हिस्सा, जो मध्य प्रदेश हिस्सा है वो भारत का हिस्सा है। तो भारत के पुनर्गठन मैंने आपको पूरा डिटेल बताया था। फिर मैंने बहुत सारी समितियों का नाम लिया था, उस पर मैंने बताया था एसके धर समिति, उसके बाद जेवीबीपी समिति, और फिर हमने 1953 में जो फजल अली समिति का गठन किया था और रिपोर्ट पेश की थी 1955 में और 1956 में, बहुत सारे राज्यों का गठन हुआ जिसमें हम मध्य प्रदेश भी शामिल था। लेकिन ये जो स्थिति है मध्य प्रदेश की, हम उसे जानेंगे। ये मेंस प्रोस्पेक्ट से, एमपीपीएससी के मेंस प्रोस्पेक्ट से भी इम्पोर्टेंट है और एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं, तो जानते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में, तो हम इसे तीन भागों में बांटेंगे। पहला 1947 से लेकर 1956 तक, दूसरी स्थिति होगी मध्य प्रदेश की 1956 से लेकर 2000 तक, और फिर 2000 से लेकर अब तक की स्थिति को हम जानेंगे। तो आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश को हम तीन हिस्सों की स्थितियों में बांटेंगे। पहला है 1947 से और 1956 के क्या स्टेट थी, और दूसरा 1956 से 2000, और फिर 2000 से लेके अब तक। आज के वीडियो पे 1947 से लेके 1956 के बारे में जानेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो 1947 से 1956 की मध्य प्रदेश की स्थिति थी, उसमें मध्य प्रदेश को चार भागों में बांटते हैं। सबसे पहला होगा सीपी बरार, सेंट्रल प्रोविंस बरार। दूसरा होगा मध्य भारत। तीसरा होगा विंध्य प्रदेश, और चौथा होगा भोपाल स्टेट। सामने बोर्ड पर आप देखिए, सीपी बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, और चौथा होगा भोपाल स्टेट। तो सबसे पहले हम जानेंगे सीपी बरार के बारे में। देखिए, सीपी और बरार ये दोनों नाम अलग अलग थे। सीपी पहले आया, बरार बाद में बना, और दोनों को जोड़ करके कुछ हिस्सा मिला के सीपी एंड बरार बना। तो यहां पर देखिए सीपी बरार के बारे में, 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस के रूप में गठित हुआ था। यानी अगर पहला सवाल ये बने हैं प्रारंभिक परीक्षा में भी, और अगर आपको मुख्य परीक्षा में सीपी बरार के बारे में लिखना हो, तो पहली लाइन ये लिखेंगे कि इसका गठन कब हुआ। तो इसका गठन 2 नवंबर 1861 को हुआ था। ये बना कैसे? सेंट्रल प्रोविंस सागौर, नेरबुड्ढा व नागपुर प्रांत को मिलाकर बना। तो पहली आपके दिमाग में आउटलाइन क्लियर हुई कि 2 नवंबर 1861 को ये बना है, लेकिन ये तीन को मिला के बना है। पहला है सागौर, दूसरा है नेरबुड्ढा, और तीसरा है नागपुर प्रांत। देखिए, जब ये आगे बढ़ते हुए क्रम में सीपी बरार को देखते हैं, तो 1921 में इसे राज्यपाल प्रांत भी बनाया गया था, यानी ये गवर्नर की प्रोविंस भी हुआ करता था। तो 1921 में इसे राज्यपाल प्रांत का रूप दिया गया 1921 में। अब ये मैंने आपको जैसा कि बताया कि सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, तो ये बरार कैसे आया? बरार हैदराबाद से आया। 1936 में हैदराबाद की रियासत बरार को मिलाकर सीपी एंड बरार नाम दे दिया गया। तो ये आपके दिमाग में क्लियर हुई, पहले सीपी था जो तीन प्रांत से मिला के बनाया गया था, सागौर, नेरबुड्ढा व नागपुर प्रांत। गठन हुआ था 2 नवंबर 1861 को, 1921 में राज्यपाल प्रांत था, और 1936 में हैदराबाद से बरार मिलाया गया और फिर इसे बना दिया गया सीपी एंड बरार।
1947 तक ये अस्तित्व में रहा और ये किस हिस्सा बना, ये पार्ट ए का हिस्सा बना। देखिए मध्य प्रदेश चार भागों में बटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो सीपीएन बरार को पार्ट ए का हिस्सा बनाया गया। तो ये सारी आपको क्लियर हुई होगी। इसे आप एक लाइन, एक बुक, एक नोटबुक लें, उसमें एक तरफ से ये सारे पॉइंट्स को नोट करते चले। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो पार्ट ए में देखिए, अब पार्ट ए में तीन चीजों को सम्मिलित किया गया, तीन सीमाओं को सम्मिलित किया गया। सीपीएन बरार आपके दिमाग में तो होगा ही। तो पहला था सीपी और बरार, दूसरा था छत्तीसगढ़ का हिस्सा। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हुए थे, दोनों 2000 में दोनों राज्यों का, छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना मध्य प्रदेश से अलग होकर। तो छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा था, जैसे अगर ये मैं मैप बनाऊं एमपी का, तो ये थोड़ा सा आपको ऐसा हिस्सा दिखता, लेकिन ये छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो पार्ट ए में सीपी बरार था, दूसरा था छत्तीसगढ़ का हिस्सा और तीसरा था विदर्भ। अब विदर्भ आपके दिमाग में समझ में आ रहा होगा कि विदर्भ जो वर्तमान में महाराष्ट्र का हिस्सा है, तो महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र का जो विदर्भ वाला रीजन था वो पार्ट ए में शामिल था, और महाकौशल जो जबलपुर का हिस्सा है। तो सीपी बरार, ये पार्ट ए में सीपी बरार, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा विदर्भ और चौथा महाकौशल। ये चार हिस्से पार्ट ए में आते थे। अब इसकी राजधानी क्या बनाई गई, नागपुर। प्रथम मुख्यमंत्री पूछे जा सकते हैं, तो प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, और राज्यपाल का नाम था ई राघवेंद्र राव। तो दोस्तों आपने पूरा जो जाना है ये सीपीएन बरार का, फिर से मैं आपको एक बार वापस से आउटलाइन बता देता हूं। 2 नवंबर 1861 को सीपी बना था, उसके बाद ये 1921 में राजपाल प्रांत था, 1936 में बरार में लाया गया, तो सीपीएन बरार हो गया। ये सीपी बरार पार्ट ए का हिस्सा था, इसमें चार क्षेत्र आते थे, सीपी बरार, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा विदर्भ, चौथा महाकौशल, और इसकी राजधानी क्या थी, नागपुर। ये आपके माइंड में सेट हो गया होगा। अब दूसरा हिस्सा है मध्य भारत। मध्य भारत जो हिस्सा था मध्य प्रदेश का, ये पार्ट बी का हिस्सा था। तो यहां पे देखिए, मध्य भारत पार्ट बी का हिस्सा था। अगर जैसे आपने पढ़ा सीपीएम बरार का गठन कब हुआ, पार्ट ए का हिस्सा बना, वैसे ही इसका जो गठन हुआ 22 अप्रैल 1948 को, तो इसका गठन 22 अप्रैल 1948 को 25 रियासतों के साथ, जो भी रियासतें जहां पे राजा का शासन था उसे हम रियासत कहते हैं, वो 25 रियासतों के साथ अस्तित्व में आया। 1946 से 48 तक निर्वाचित मंडल का ये हिस्सा था। देखिए जानने वाली बात ये है, पूछा जा सकता है कि जो आपका पार्ट बी हिस्सा था मध्य भारत का, इसमें ये वाला पॉइंट है कि 6 महीने तक इसकी राजधानी 6 महीने के लिए ग्वालियर हुआ करती थी और 6 महीने के लिए इंदौर। तो इसकी दो राजधानियां थी, एक साल में 6 माह ग्वालियर और 6 माह इंदौर, यानी अगर मध्य भारत की दो राजधानियां थी, पहला था ग्वालियर, दूसरा था इंदौर। प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम था, प्रथम मुख्यमंत्री का नाम था तख्तमल जैन, और वहां पे प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम था, मैंने आपको बताया पंडित रविशंकर शुक्ल, पूरा याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो 25 रियासतें थी उनका मैं नाम बता दूं आपको, 25 रियासतें जो शामिल थी, ये पूरा कंप्लीट मेंस का नोट्स है, अपरी का नोट्स है, इसके बाद आपको ज्यादा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। पहला था ग्वालियर रियासत, दूसरा इंदौर, तीसरा जावरा, चौथा धार, पांचवा देवास। देवास दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक बड़ा देवास, एक छोटा देवास, फिर बड़वानी, सीतामऊ,
अलीराजपुर, सैलाना, जोवट, कुरवई, रतलाम, काठीवाड़, पिपलौदा, झाबुआ, पथरी, अटवार, राजगढ़, भूमिया स्टेट्स, नीमखेड़ा, जमनिया, खिलचीपुर, नरसिंहगढ़ और मोहम्मदगढ़, ये 25 रियासतों को मिलाकर मध्य भारत पार्ट बी का गठन हुआ था, जिसकी राजधानी 6 माह के लिए इंदौर और 6 माह के लिए ग्वालियर थी। 1956 से पूर्व मध्य भारत नाम से ये क्या था, विख्यात था, क्योंकि 1956 में नया मध्य प्रदेश का गठन होगा, जिसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश की स्थिति बदल जाएगी, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं 1947 से 56। तो दोस्तों, इस वीडियो में केवल मैंने भी सीपी बरार और मध्य भारत के बारे में बताया है, अभी विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट का जो वीडियो होगा वो अगले वीडियो में आपके पास आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें सभी को, लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता चल सके कि हमें अभी और किस चीज पे मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ये चैनल आपका है और इस चैनल को बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।